हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। नमस्कार, मैं बबीता आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बबीताज किचन में। फ्रेंड, बबीता किचन में जो रेसिपी आई वो है सूजी की भरमा चिक्की। पर प्लीज़ उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकन के बटन ऑन कर लीजिए, जिससे नई नई वीडियो आप तक पहुँच सके और आप मेरी वीडियो इन्जॉय कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने सूजी की चिकली बनाने के लिए एक कटोरी सूजी लिया है। मैं मोटी सूजी है तो मैं इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी। अगर पतली सूजी है तो आप वैसे ही ले सकते हैं। ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया इसे और इसको थोड़ा सा बिल्कुल बारीक एक पाउडर सा बन गया है। इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये देखिए कितना फाइन पाउडर बन गया है एकदम। अब इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी नमक, या 1/4 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, थोड़ा ही डालिए। और थोड़ी सी इसमें मिर्ची डालूंगी, खाली 2 पिंच के करीब। 1 पिंच ऑफ डालूंगी मैं इसमें अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालूंगी, जिससे टेस्ट उसका और इन्हेंस होता है। और थोड़ी सी कसूरी मेथी, वो भी मैं हाथ से क्रश करके डालूंगी। और अब इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच ऑयल। ये मेरा गर्म ऑयल, पका हुआ ऑयल था। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच डालेंगे। और अब इसको हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ऑयल, नमक और मिर्ची, कसूरी मेथी, अजवाइन, सब चीज़ मैंने डाल के इसे मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको अच्छी तरह गूँथूँगी। मेरे को एकदम सॉफ्ट सा डो बनाना है, इसलिए मैं इसको अच्छी तरह गूँथ रही हूँ। और पानी इसमें एक साथ नहीं डालिए, आप थोड़ा थोड़ा करके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको डालते रहिए। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे हाथों से छींटे मार मार के इसको गूँथूँगी, ताकि ये पतला ना हो जाए। सूजी है, एकदम से पानी डालने से पतली हो जाती है, और मुझे पतला नहीं करना, मुझे आटे की तरह इसको लगाना है, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं, एकदम वैसे ही सॉफ्ट सा बनाना है। ये देखिए इसको छींटे मार मार के इसको थोड़ा सा गूँथ गूँथ के इसको इकट्ठा कर रही हूँ। ये देखिए ऐसे ही करना है, इसमें सारा आटा मेरा इकट्ठा हो चुका है, पर ये अभी टाइट है। तो मैं इसमें थोड़ा सा अच्छा सा मसल के इसको हाथों से, ये देखिए थोड़ा सा पानी की छींटे और लगाऊंगी, और फिर मैं दोबारा से मस लूँगी। ऐसे ही हमें मसलना है, ऐसे ही इसको पानी डाल डाल के हम गूँथते रहेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है। अभी मैं इसको अच्छी तरह और मस लूँगी, और अब हम इसे अच्छी तरह मसल के थोड़ा सा पानी लगा के इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए। इतने हमारे ये रेस्ट हो रहे, इतने हम इसकी स्टफिंग बना लेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने आलू लिया है, 2 आलू थे मेरे, बॉयल आलू और हाफ कटोरी छोटी वाली, इसमें बॉयल मटर थी। मैंने आलू, मटर, मिर्ची और धनिया सबको मिक्स करके इसमें रख दिया है, डाल दिया है। थोड़ा सा नमक और लाल मिर्ची भी डाल दी है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब मैं इसमें डालूँगी ये मेरा सूखा धनिया और कसूरी मेथी है, ये रह गई थी, मैं इसको उसमें भी डालूँगी। तो ये मैं लेके इसमें सोटी में डाल के इसको थोड़ा सा क्रश करके इससे हम इसको डालेंगे। इसमें पीसना नहीं है, इसलिए मैं सोटी से इसको क्रश कर रही हूँ। बस हल्का सा क्रश करना है, ताकि इसके 2 पार्ट्स हो जाएं। ये देखिए हो गया हमारा। अब ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए बस ऐसे ही चाहिए, हमें ज़्यादा बारीक फाइन सा पाउडर नहीं चाहिए था, ताकि दरदरा चाहिए था, ताकि मुँह में आया तो उसका टेस्ट और अच्छा लगता है। कसूरी मेथी और मैंने सूखा धनिया दोनों मिक्स कर लिया, इसको मिक्स करके रख दिया है। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं हमारे। अब आटे को हम लेंगे फिर से, और हम इसको अच्छी तरह और हाथों से गूँथेंगे और सॉफ्ट करेंगे, ताकि बिल्कुल आटे की तरह इसकी सॉफ्ट लोइयां बने। ये देखिए देखिए मेरा आटा भी लग गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसकी भी इसके मैं अच्छी तरह थोड़ा सा और हाथों से मसलने के बाद इसकी मैं लोइयां बनाऊंगी। ये देखिए आटा कितना अच्छा हो गया। अब मैं इसकी लोइयां बना रही हूँ, मैं छोटे छोटे इसके पेड़े बनाऊंगी रोटी के हिसाब से, जैसे रोटी का रखते हैं हम वैसे ही रखेंगे। हाथ से अच्छे से मसल के गोल से पेड़े बिल्कुल एक बराबर से करके रख देंगे। ये देखिए ऐसे बनाने हैं हमें, इक्वल बनाने हैं। ये देखिए मेरे एक कटोरी सूजी में मेरे 5 गोले बन चुके हैं बिल्कुल बराबर। अब इसमें क्या, हम थोड़ा सा ऑयल हाथ में लेके इसको भी थोड़ा सा ग्रीस करेंगे ऑयल से अच्छी तरह, ताकि सारा चिकने हो जाए, ये और भी सॉफ्ट हो जाए। और अब हम इसके बनाने की तैयारी करते हैं। ये मैंने एक
पेड़ा ले लिया, बाकी के पेड़ों को, चारों पेड़ों को मैं ढक के रख दूंगी। अब इससे मैंने बेलना है बिल्कुल रोटी की तरह, थोड़ा सा और हाथ से करके, ये देखिए मैं इसे थोड़ा और हाथ से कर लूँगी और अब मैं इसको बेलूँगी। मैंने इसे रोटी की तरह बेलना है तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर सूखा आटा लगा के इसको बेलूँगी ताकि चिपके ना और आसान से रोटी की तरह मेरी बन जाए पतली सी। पर इसको हमें थोड़ा और भी पतला करना है, ये देखिए चारों तरफ से इक्वल पतला करना है इसे हमें, और ये एकदम बिल्कुल रोटी की तरह ही बिलने लग जाएगी। देखिए मेरा हो गया है बिल्कुल बराबर, मेरी बिल गई है चारों तरफ से। अब हमने जो स्टफिंग रखी है इसको स्टफिंग लेंगे, इसको सेंटर में रख के थोड़ा सा अच्छी तरह से इसकी सारी स्टफिंग रख के इसमें, और हम इसको हाथ से एकदम बिल्कुल थोड़ा सा सेंटर में रख के इसको हाथों से अच्छी तरह फैला लेंगे, इसको मिक्स मीच बीच में बना लेंगे। और अब इसको हमें इसको एक रोल सा बनाना है, उसके चारों तरफ पहले हमें पानी लगा देना है, सादा पानी है, मैं बिल्कुल सादा पानी है मेरा वही लगा रही हूँ चारों तरफ से पानी लगा के, ताकि अच्छी तरह फोल्ड हो जाए, चिपक जाए। इसको रोल की तरह हम बना के इसको ऐसे रोल बना लेंगे, चिपका देंगे बाकी को ऐसे, ये देखिए। और उसके साइड के बिल्कुल कॉर्नर बिल्कुल बंद कर देंगे हम चारों दोनों तरफ से, एकदम रोल की तरह बना लेंगे इसे, और थोड़ा सा हाथ से इसे प्रेस करते हुए ताकि सारा आलू रोल हो जाए, ये देखिए इस तरह से करना है इसको, थोड़ा सा रोल लगाना है। अब हम इसको चाकू से इक्वल इक्वल इसके पार्ट्स कर लेंगे बराबर बराबर से, ये मेरे चार बन गए हैं इसमें। और हम इसको क्या करेंगे, उठा के ऊपर से नीचे की तरफ इसको थोड़ा सा दबाते हुए हम बंद कर देंगे, देखिए फ्रेंड्स ऐसे ऐसे हम चारों करना है, ऊपर से लेके नीचे हम इसको ऐसे फैला देंगे, बंद कर देंगे, ये देखिए ऊपर से हल्का हाथ प्रेस करेंगे और ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, ये देखिए। बस इसी तरह से हमें इसको सबको बनाना है, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत बस ऐसे ही सिंपल सी तरीके से इसको हमें सबको दबा के रख देना है। ऐसी सारी बना लेनी, देखिए मैंने सारी बना ली है, ये मेरी सारी रेडी हो गई है। अब हमें इसे फ्राई करना है, या मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है तो मैंने डीप फ्राई करना है, इसलिए मैंने इतना ही ऑयल लिया जितना ही फ्राई हो जाए। अब मैं इसको अच्छी तरह तेल गर्म होने के बाद इसको एक एक करके हम इसमें डाल देंगे, जितना इजीली आ जाए 5 6 7 जितने आराम से आ जाए उतनी ही डाल दीजिए, ज़्यादा एक साथ नहीं भरनी नहीं तो फट जाएंगी। धीरे धीरे से इसे डाल के हमें फ्राई करनी है, ये देखिए यहाँ मेरी 5 6 आ गई हैं, मैं 5 6 ही डाल के इसे अच्छी तरह पहले फ्राई कर रही हूँ, और हमें स्लो गैस पे ही करना है, हल्का सा से फ्राई होके इसकी टर्न को चेंज कर देनी है हमें। देखिए यहाँ से गोल्डन फ्राई हो गया, लाइट लाइट गोल्डन फ्राई हुआ है, इसको ऐसे हमें चेंज कर देना है दूसरी साइड भी, और दोनों साइड से हमें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकने हैं, ये देखिए। पर गैस की फ्लेम को मंदा ही रखना है, अगर तेज पे चलेंगे तो ऊपर से जल जाएगा, इसलिए हमें बिल्कुल मंदी मंदी गैस पे ही सेकना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका, लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसको यहाँ से सेकने के बाद तो हम इसके टर्न को चेंज करेंगे, ये देखिए हमारा सिक गया एक साइड से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब हम दूसरी साइड से इसको चेंज करके अच्छी तरह सेक लेंगे, ये देखिए हमारी चिक्की एकदम बिल्कुल चकली हमारी एकदम बढ़िया से सिक गई है। साइड चेंज कर देंगे, इसे यहाँ से भी 2 मिनट के लिए सेक लेंगे, ये बहुत ही अच्छी लगती है चकली हमारे को, आप प्लीज़ ज़रूर बना के देखिए। ये देखिए मेरी हो गई है, अब मैं इसे निकाल रही हूँ, ये बहुत ही अच्छी लगती है, एक तो सूजी का कुरकरापन और अंदर से आलू की स्टफिंग बहुत ही यम्मी सा टेस्टी सा लगता है, बहुत अच्छी जल्दी से बनती है। अगर कोई फ्रेंड आपके घर कोई गेस्ट अचानक से आ जाए, आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई आप स्नैक्स के लिए कुछ नहीं है, तो आप ये फटाफट स्नैक्स बना के उनको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए बन गई, ऐसे हम बाकी की बची हुई फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसको दोबारा से फ्राई कर रही हूँ, ऐसी जितने आ जाए फ्रेंड आपकी कढ़ाई में, जितना ऑयल आपका उसके हिसाब से ही करिए, ज़्यादा भरिए नहीं। ये देखिए मैंने सारी चकली तैयार हो गई है, ये देखिए कितनी कुरकुरी सी बनी है, एकदम स्टफिंग देखिए एकदम से भरपूर है, और इसमें खाने में इतनी टेस्टी लगती है ना, क्योंकि आलू तो वैसे ही फेवरेट होता है बच्चों का। चलिए हमारे बन गए, हम इसे प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक प्लेट में एक साइड ग्रीन सॉस और एक साइड टोमेटो केचप लगा दिया है, अब मैं इसको बीच में इसको सर्व कर रही हूँ, ये देखिए
फ्रेंड्स इतनी बढ़िया फटाफट बनने वाला नाश्ता है कि अगर आप मेहमानों को सर्व करेंगे तो हर बार वो आपसे इसी फरमाइश करेंगे और पूछेंगे कि कैसे बनाई, आपकी रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे वो भी। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा किस किस को अच्छी लगी और किस किस ने ट्राई की है। ये देखिए एकदम अलग सी ये रेसिपी है, बहुत ही यम्मी सी है। ये देखिए हमारी चकली एकदम रेडी है खाने के लिए, सूजी की स्टफिंग वाली चकली कितनी यम्मी सी है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ऑन कीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।